टिकटॉक स्टार और बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट के मामले में नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। पुलिस ने इस मामले में फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को गिरफ्तार किया है, जिन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सोनाली के दोनों साथी उनके साथ 22 अगस्त को गोवा पहुंचे थे। भले ही गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के मामले में हत्या का केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम में मौत की वजह भी अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई, अगर हत्या हुई तो किस वजह से की गई, ऐसे कई सवाल हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी अनसुलझे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी नेत्री की मौत के बाद से ही परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे थे। इन आरोपों पर यकीन करें तो सोनाली की मौत कोई मामूली मौत नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसमें सोनाली के साथ ब्लैकमेलिंग और स्लो पॉइजनिंग की साजिश की दर्दनाक दास्तां छिपी है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने कहा कि वे शुरुआत से कह रहे हैं कि ये मौत कोई मामूली नहीं है। सोनाली की हत्या सुनियोजित थी, सोनाली को न्याय दिलाकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि सोनाली को जहर दिया जा रहा था। उन्होंने दिल्ली में चल रही जांच पर भी संतोष जताया है। बिल्कुल भाई, सोनाली जी को न्याय मिलना चाहिए। जो भी उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, उसमें उनको न्याय मिलना चाहिए जी। उसमें चार इंजरी बताई गई है और पॉइजन बताया गया है, पॉइजन से डेथ बताई गई है। लेकिन जो हार्ट अटैक की बात सामने आ रही थी उससे जी बिल्कुल आप लोग नकार रहे हैं। बिल्कुल, हम स्टार्ट से नकार रहे थे और वही चीज अभी सामने भी आ गई है, भाई फेल उनका नहीं हुआ है, ये एक प्लैंड मर्डर है। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट टिकटॉक पर वीडियो बनाकर चर्चा में आई थी। उन्हें 23 अगस्त की सुबह मृत अवस्था में गोवा के अंजुना में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। सोनाली फोगाट के परिवार की रजामंदी के बाद उनका पोस्टमार्टम गोवा के मेडिकल कॉलेज में कराया गया। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर कई बार चोट के निशान मिले हैं। हालांकि क्या ये निशान मौत की वजह से है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर सोनाली का परिवार लिखित में डिमांड करेगा तो राज्य सरकार उनकी मौत की सीबीआई जांच जरूर कराएगी। वहीं सरकार को इस जांच से कोई आपत्ति नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद सोनाली का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जहां शुक्रवार को हिसार में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिलहाल सोनाली की मौत कैसे हुई, क्या वो किसी साजिश का शिकार हो रही थी, ऐसे कई सवाल हैं जिनके सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।